हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उदय, प्लीज लीव माय क्लास। उदय, तुषार, आप तो रिकॉर्डिंग देख ही लेते हो, आपको क्लास में आने की क्या जरूरत है? आप अपने मजे से रिकॉर्डिंग देखना। नहीं नहीं यार, अब देखो रिकॉर्डिंग जरूरत क्या है, सब कुछ सेम तो है, आप अपने रूटीन फॉलो करो अपने हिसाब से। ऐसे क्यों डांट खा रहे हो मेरे से? आप रिकॉर्डिंग से अपना काम चलाना बढ़िया। तुषार, मैं हटा रहा हूँ आपको मीटिंग से। चलो क्या कर रहे थे हम बच्चों लास्ट टाइम? एक्सरसाइज 0.3 है, पार्ट सी।
हाँ बच्चों, सी पार्ट में बताओ। फोर्थ कैसे किया बच्चों? इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ये बताओ पहले। क्या इनिशियली वाटर से कुछ फर्क पड़ेगा? इनिशियली तो रेस पैरेलल ही है ना, तो इनिशियली तो वाटर का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसके लिए तो एक तरह से हम माने तो दो स्टेप्स हैं। और ऐसे में जैसे मैं आपको बता ही रहा था, रे बनाओगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा काम। सबसे पहले तो रे सीधा पैरेलल आ रही है, ये एक कनकेव मिरर है उसके लिए पैरेलल रेज आ रही हैं। तो वो अब इस मिरर से टकरा के कैसे जा रही होंगी? फोकस पे कन्वर्ज। और मिनट, मैं अभी यहीं तक दिखाता हूं। ओके, जो फोकस आ रहा है वो आउटसाइड वाटर आ रहा तो ये रेस टकरा के वापस आइडियली इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये वाटर टू एयर वाली रिफ्रैक्शन हुई, इस कारण से बच्चों शिफ्ट किधर को होगा ये बताओ। रेज तो ये आप रेज वाटर से एयर में जा रही हैं, तो रेज विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ज कर जाएंगी। तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, सही है? अब बच्चों ये शिफ्ट होगा कितना?
पहले जो रेस थी वो तो फोकस मतलब ये 10 सेंटीमीटर दूरी पे जा रही थी, अब रेस कहाँ कन्वर्ट करेंगी और वो कैसे निकालोगे आप? सेवन पॉइंट फाइव आ गया, ये कैसे आया बच्चों? मतलब आई वॉन्ट टू नो कि आपने किसको ऑब्जेक्ट माना और उसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगाया। एक तरीका तो ऑफकोर्स ये है कि ड्राइव ही कर लो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड में निकल आता है ना। दूसरा तरीका मुझे बताओ कि अगर हमने पिछली क्लास वाला ही कंसेप्ट यूज करना हो फिर कैसे होगा? बोलो भाई। सर सर यस सर जो वो वाला आपने मतलब बताया था ना तरीका कि ऑब्जेक्ट इमेज वाला मतलब एनालेटिव वो वाले सर मेरा गलत आता था हमेशा आंसर उससे ज्यादातर केसेस में। मुझे बताओ कौन सा केस फिर पता मतलब जैसे अगर चला। इस केस में देख लो, अगर हम मतलब अगर मतलब ऑब्जर्वर वो होगा ना, मतलब जब एन रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ऑब्जर्वर वो होगा जो मतलब जहां पे रिसीव हो रही होंगी जो रेज है। ऑब्जर्वर कहाँ कह रहे हो आप, जहां कहाँ पे पे होगा? रेज मतलब जिसकी तरफ जा रही होंगी, जहां पे रिसीव हो रही होंगी, हाँ ठीक तो इसके अंदर वो आ जाएगा, मतलब उस तरफ ऊपर को खड़ा होगा जो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ऐसे होगा इधर। हाँ। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पॉइंट ओ तो इसके आगे सोचो कैसे लगाओगे बच्चों शिफ्ट वाला फॉर्मूला। ऑब्जर्वर तो दिखा दिया मैंने, बोलो बच्चों कराए कि नहीं कराए क्वेश्चन? ओके तो जो देखो बच्चों बेसिकली करना तो ये था इस केस में कि ये 10 × 3/4 बननी है जो इसकी हाइट है ना। तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाने में गलती हो रही है, राइट? और वो गलती उन केसेस में हो रही होगी जहां पे
मतलब इस तरीके से रेज आ रही हो कन्वर्जिंग, सर यस। सर हमारे पास जैसे ये 10 तो मतलब थिकनेस आ गई, लेकिन जो वो फॉर्मूला था वो 1 - 1 n, तो ये 1/4 नहीं बनेगा? नहीं, मैंने तो हाइट लिखी है, वो तो शिफ्ट 2.5 आएगा। जी मैंने शिफ्ट नहीं लिखा, मैंने हाइट लिखी है, मतलब सरफेस ये से जो अच्छा हाइट आएगी वो कि 7.5 है। ओके सर। तो आप लोगों ने ड्राइव कर लिया, चलो आई विल जस्ट गेट बैक टू दिस, ठीक है? अभी वापस आते हैं इस पे, फिर और क्लियर होगा कि कैसे करना अभी कंफ्यूजन क्या है? है। कंफ्यूजन तो बस ये है, क्या ऑब्जेक्ट लेना है, क्या इमेज लेनी है, तो मतलब ये शिफ्ट निकाला कैसे इस केस में। चलो एक बार आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल केस जहां पे बस अजीब सा कुछ लिख के डरा दिया जाए और उससे बस छोड़ दोगे आप क्वेश्चन को, वही क्या करना था? एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियली आपको कहा है कि ग्रेजिंग एंगल है, मतलब इनिशियल एंगल हम मानेंगे कि ऑलमोस्ट 90 है। ठीक है, अब जस्ट यहां से वो बाहर निकल रही है रे, उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ बच्चों? के वन डला, वाई वन डला, बिल्कुल बाउंड्री पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दैट इज रूट टू। हाँ जी बताओ आगे, किसी ने किया, किसी का हुआ है क्वेश्चन? किसी का नहीं हुआ? ये तो नहीं हो सकता। सीरीज के अंदर हम सीधा एयर के बीच में लगा सकते हैं, मतलब आपने वो रूट टू निकालने की जरूरत है। देखते हैं, वैसे लिख दिया कि वहां रूट टू है, तो भी देखना है हमें कि यूज होगा कि नहीं होगा। भाई किसी का नहीं हुआ क्या ये? डिविएशन का मतलब क्या है बच्चों? कि वो कितने एंगल से बेंड की लाइट रे। राइट, तो नहीं हुआ क्या किसी का?
पैरेलली निकलेगी भाई। हमने एक फॉर्मूला किया था n साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अगर आप एयर से एयर में ही जा रहे हो आपका n सेम है, n सेम है तो थीटा सेम है, isn't it? तो मतलब इस केस में भी जो रे निकलेगी वो जैसे एंटर की है, मतलब इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल है, वो बाद में एग्जिट भी ऐसे ही करेगी कुछ 90 डिग्री एंगल से, उसमें कोई डिविएशन होगी ही नहीं। भाई हर जगह n sin थीटा को तो कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा, नहीं अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा आसान हो गया। सोचो ध्यान से सर, इसके अंदर ग्रेजिंग एंगल का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, वैसे ग्रेजिंग एंगल का मतलब ये होता है कि आप आई को 90 ले लो, इस क्वेश्चन में तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में तो कोई भी एंगल होता हमारा आंसर यही आता। हाँ बच्चों बोलो, कुछ समझ आया कि नहीं? ये या इंटीग्रेट करना है? चलो आगे। फिफ्टींथ क्वेश्चन, तो बच्चों हमें कहा है कि एक मतलब वो अपरेंट डेप्थ वाला सा केस है, नीचे बस मिरर लगा दिया, ऑब्जर्वर है, तो हमें कहा है कि ऑब्जर्वर एक तो पी को सीधा देख रहा है और एक उसकी जो मिरर के अंदर इमेज है उसको देख रहा है, ठीक है? मतलब लाइट रेस का दो तरीके का पाथ है बच्चों, अगर हम सोचें। एक पाथ तो है जो P से लाइट रेज जैसे भी पाथ से, मतलब मतलब P से लाइट रेज O तक पहुंच रही है। दूसरा क्या केस है कि जो P से मिरर से टकरा के फिर बाहर निकली लाइट रेज वो O तक पहुंच रही है। तो उन दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी हम उन दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, राइट? मतलब जो रे डायरेक्टली जा रही है पी से ओ, उससे क्या होगा? जो रेज डायरेक्टली पी से ओ जा रही हैं उस कारण से पी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कितने अमाउंट से?
एच बाय म्यू, उस केस में तो ये वाला डिस्टेंस आएगा ना, ये जो भी होगा इसको एच डैश बोल देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डायरेक्ट रेस की। ये डायरेक्ट रेस के लिए जो पी डैश की पोजीशन बनेगी, जो उसकी डेप्थ बनेगी, वो बन जाएगी कुछ एच डैश बाय म्यू। तो स्क्रीन अपडेट हो रहा है, ये क्या होगा? ये हर रोज तुम्हारी क्लास में होता है कुछ, बाकी सब क्लासेस बिल्कुल ठीक जाती हैं। हाँ जी, अब देखो अब ठीक है, पी की पोजीशन एच डैश बाय म्यू। ओके, अब हम बात करते हैं जो पी की इमेज बनेगी, जो दूसरी वाली लाइट रेज है जो मिरर से टकरा के बाहर निकलेंगी। तो सबसे पहले बच्चों मिरर उसकी इमेज कहां बनाएगा? मिरर से वो एच ऊपर है तो वो एच नीचे बना देगा इमेज। इसको बोल देते हैं पी वन। अब मतलब ऑब्जर्वर को लग रहा है कि जो रेज हैं वो P1 से आ रही है ना, तो उसकी अपरेंट डेप्थ क्या होगी? अब मतलब एक्चुअल डेप्थ क्या होगी? टू एच प्लस एच डैश ना? और वो जब बाहर निकलेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो उसकी अपरेंट क्या हो गई? टू एच प्लस एच डैश बाय म्यू, है ना? तो यस, सर इसके अंदर जब हम लगाएंगे तो जो नीचे वाला एच है उसमें तो लिक्विड है नहीं ना, उसमें क्यों फिर एच बाय म्यू किया हमने? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि रेस कहां से आ रही है? सर पर जो मल्टीपल लिक्विड लगाते होते हैं तब हम अलग अलग करके लगाएंगे ना, कि जिसमें है उसमें एच बाय वन करेंगे नहीं, उसके नहीं, अंदर नहीं, नहीं। आप सोचो ये सिचुएशन है आपकी, ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इसकी ऊपर वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होनी है, अब जो ये P1 की इमेज बनेगी After refraction, तो refraction तो इस boundary पे हो रही है ऊपर, अब क्या इससे
P1 जो है वो पानी के अंदर है या नहीं है? रे तो P1 से ही आ रही है ना, अंडरस्टूड? तो इन दोनों में बच्चों क्या हो गया आप डिफरेंस 2H5 में। आगे बच्चों। सर, यस सर जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे होता है तो वो सेम डिस्टेंस पे नहीं दिखेगा? नहीं, सी इसका मतलब ये होता है, देखो ऐसा नहीं होता कि कभी इमेज एक ही रे से बनती है यस ना, तो मल्टीपल रे से ही बननी है। तो ऑल दैट इट मींस इज कि ऑब्जर्वर जो है वो ओ के पास है, तो वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो गई। सर, वैसे ओ तक तो कोई जा ही नहीं सकती ना रेस नॉर्मल के अलावा। हाँ मतलब वो ओ पॉइंट नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा ही होगा अच्छा जिससे ठीक, नॉर्मल के ओके सर। आसपास वाली रेस भी पहुंचे। हाँ जी, 2H+H' कैसा आया था? P की इमेज H नीचे बनी थी, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? आगे नाइनटीन्थ क्वेश्चन भी देखो बच्चों सिमिलर सही है। बच्चों ट्राई करना, 19th बिल्कुल सेम है 15th जैसा होना चाहिए। अब एक केस बचा हुआ है अपना, वो जो था फोर्थ वाला, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। 12th हो गया था बच्चों क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो अभी बच्चों एक बार आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगली हेडिंग दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल हम एक सिचुएशन बनाते हैं जहां पे लाइट एक डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है? लाइट नीचे से ऊपर आ रही है, एन डी से एन आर। तो क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? अब बच्चों हम अपने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो अभी आप प्रेजेंटली सिर्फ व्हाइट वाली रे को देखो।
अब मैं व्हाइट वाली रे का जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, मतलब उसको जितना मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, वैसे ही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है? तो बच्चों एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अब ग्रीन रे को देखो कि उसके करिस्पॉन्डिंग ऐसा हो गया कि जो रे रिफ्रैक्ट हुई उसका एंगल 90 बन गया, राइट? तो उसको हम बोल देते हैं एज एंगल सी, उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उसको हम बोल देते हैं एज एंगल सी, ठीक है? तो फिर से समझो सी की क्या इंपॉर्टेंस है, कि सी पे ऐसा हो गया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल 90 बन गया, अब बच्चों मान लो हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं, हम अपनी लाइट रे को और घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? हमने रेड रे बना दी, अब रेड रे के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो रिफ्रैक्ट होके बाहर वाले मीडियम में जा सके, क्योंकि ग्रीन रे पे ही ऐसा हो गया था कि एंगल 90 बन गया था। तो रेड रे के केस में ऐसा हो जाता है कि वो रेड रे सिंपली रिफ्लेक्ट ही हो जाती है, ठीक है? तो फिर से ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट नहीं कर पाती, ये रे रिफ्लेक्ट ही कर गई, ये बात तो जो समझ आ रही है। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों इसको हम कहते हैं एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसको यही नाम क्यों दिया हम अभी समझते हैं। पहले हम ये समझें कि ये फिनोमिना हो कब रहा है। ये फिनोमिना हो रहा है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई एंगल सी से बड़ा है। तो उस केस में ऑल्दो आपने कोई पॉलिश सरफेस नहीं ली, कुछ नहीं किया, आपको अब लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगी, आपको रिफ्लेक्शन ही मिल जाएगी, ठीक है? तो उसकी क्या कंडीशंस हुई कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड दूसरा कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन दिस एंगल सी। तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो फिर तो रिफ्लेक्शन के ही लॉस फॉलो होंगे बच्चों, तो इसलिए आर इक्वल टू आई आया। अगर रिफ्लेक्शन है तो आई इक्वल टू आर होना ही है। अब बच्चों ये एंगल सी कैसे आएगा, ये एंगल सी की क्या खासियत बन रही है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटर एंगल है वो 90 डिग्री है, तो सी को हम कहते हैं बच्चों एज क्रिटिकल एंगल। और इसकी कंडीशन कैसे बनेगी मैथमेटिकली, बस एन डी साइन सी इज इक्वल टू एन आर साइन 90। तो आपके साइन सी की वैल्यू आ गई एज एन आर अपॉन एन डी।
बच्चों समझ आ रहा है ये फिनोमिना कब होगा? ठीक है बच्चों, इस फिनोमिना की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि भाई हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं ली, कुछ नहीं लिया, तो भी रिफ्लेक्शन हो गई। दूसरा ये बच्चों कि इस केस में जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज 100%, इस केस में सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आपको ख्याल होगा हमने पहले बात की थी कि भाई नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कभी भी 100% रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होती, लेकिन जब TIR होता है तो उस केस में 100% रेज रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए यहां पे हम वर्ड लिखते हैं टोटल। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो मतलब अगर हम इसको मतलब कुछ फिगर से समझें कि भाई जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन है उसमें आपने 1000 rays भेजी हैं तो रिफ्लेक्ट होके 1000 से कम आएंगी। ठीक है, इसके नीचे वाला फिगर देखो कि अगर आप नॉर्मल रिफ्रैक्शन करवा रहे हो वेयर आई इज लेस देन सी तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी 100% रेज कोई रिफ्रैक्ट ही कर जाएंगी। मोस्टली रेज रिफ्रैक्ट करेंगी लेकिन कुछ रेज ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्ट भी करेंगी। और अब राइट साइड वाला केस देखो जहां पे हमने सिंपल डेंसर से रेयर मीडियम वाली सिचुएशन बना दी और एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा कर दिया तो 1000 की 1000 rays रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। ठीक है, तो इसलिए इस फिनोमिना को हम TIR कहते हैं। यस, 1000 rays का मतलब है इंटेंसिटी। एंड यस, इससे ये भी क्लियर हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा ही पॉलिश सरफेस चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए कि टोटल TIR में मतलब टोटल वर्ड क्यों लगाया हमने? ओके तो देखते हैं बच्चों इस फिनोमेना की क्या क्या एप्लीकेशंस बन सकती हैं। तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और आजकल के टाइम पे जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये बच्चों कहां पे सुनते हो नाम आजकल ऑप्टिकल फाइबर का? इंटरनेट में, राइट? जियो, और मतलब जियो का कहना है कि भाई उनका सारा ही ऑप्टिकल फाइबर्स है से ही है कनेक्शन, जो बाकी थे जैसे एयरटेल, फास्टवे, नेट प्लस, इन्होंने रिसेंटली अपग्रेड किया है टू ऑप्टिकल फाइबर।
तो फिर वो उस केस में वायर चेंज करते हैं, जो आपके घर पे मोडम रखा हुआ होता है वो चेंज करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है। तो बच्चों ये एक इस तरीके की वायर होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली इस वायर की दो लेयर्स होती हैं, एक अंदर वाली लेयर हो गई और उसको हमने सराउंड कर दिया विद सम अदर लेयर जो कि ग्रीन कलर की लेयर हो गई, ठीक है। तो मान लो हमने बाहर से जो सिग्नल है उसको किसी एंगल आई पे इंसिडेंट किया, तो इसको हम बच्चों इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं कि वो रे जब वो टकराती है जहां पे ग्रीन बाउंड्री है वहां पे टकराती है, वहां पे उसका टीआईआर हो जाए, ठीक है। हम निकालेंगे कंडीशन, बेसिकली वी इंश्योर कि वहां पे टीआईआर हो जाए। तो अब होता क्या है कि जब बेसिकली हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब अंदर सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो भी उसका टीआईआर हो रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है बच्चों, एक मिनट के लिए मान लो कि हम TIR वाली कंडीशन ना लगाते, ठीक है, हम कहते हैं हमने कोई शाइनी सरफेस लगा दी जिस कारण से वैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाए, तो कुछ ना कुछ जैसे हमने सीखा है कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन भी होती यहां पे, राइट कि वही बात कि भाई आपने 1000 रेज भेजी थी तो 999 तो रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन एक रे तो मिस हो गई। अब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ऐसी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, तो जितनी ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी उतना आपका सिग्नल कम होता जा रहा है कि भाई आपने 1000 से शुरू किया था, हर रिफ्लेक्शन पे मान लो एक भी लूज होती जा रही है तो आप आगे जाओगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, जैसे सबके फोन्स के साथ यूएसबी केबल होती है जिससे हम लैपटॉप से कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी नॉर्मली क्या लेंथ होती है, दो फीट के आसपास होती है, 2 से 3 फीट मैक्सिमम, आजकल तो उसको भी वो छोटा करने लग गए हैं। तो अब इमेजिन करो कि हम वो यूएसबी केबल 2 फीट की जगह 20 फीट की ले आए, ठीक है, कि भाई इतनी लंबी हो गई कि आपका लैपटॉप एक कमरे में पड़ा है, मोबाइल दूसरे कमरे में पड़ा है और आप फिर डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसमें एरर आ जाएगा। जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे होगे तो ट्रांसफर करते हुए एरर आ जाएगा, ठीक है, उसका क्या रीजन होगा कि ये जो रेज बाहर निकलती जा रही है उस कारण से डाटा जो है वो लूज होता जा रहा है। तो जब हम ये TIR जैसी सिचुएशन बना देते हैं तब क्या होता है कि कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो आप 20 फीट की ऑप्टिकल केबल ले आओ, आपका बिल्कुल प्रॉपर डाटा ट्रांसफर होगा, परफेक्ट। तो इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं कि इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं।
सर जैसे ये ऑप्टिकल ये फाइबर लगा के हम कहते हैं स्पीड बढ़ गई, तो मतलब स्पीड भी एक बढ़ती है कुछ एक्चुअली? मतलब आप ये कह लो कि मान लो कनेक्शन प्रोवाइडर जो था वो पहले आपको 50 Mbps दे रहा था, हाँ जी, तो क्योंकि नॉर्मली लॉसेस हो जाते थे तो वो 50 वाला प्रैक्टिकली आपके पास 20 बचता था, अब लॉसेस yes, नहीं sir. हो रहे तो वो आपको 50 मिलेगा ये। ओके सर, ओके, हाँ जी, तो इसलिए बच्चों अब आजकल ऑप्टिकल केबल यूज करने लग गए। तो ये ऑब्वियसली जो सराउंडिंग है ग्रीन वाली, उसकी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर से कम है। सर, हाँ जी सर, ऑप्टिकल वायर से पहले क्या यूज करते थे? कॉपर वायर नॉर्मल, वो इतना दूर तक कर देते थे मतलब? उसके केस में क्या होता है कि फिर हमें इन बिटवीन मतलब वो कुछ डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं जो सिग्नल को स्ट्रेंथन करते हैं। ओके सर। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि अभी क्यों ऑप्टिकल फाइबर यूज करना शुरू किया, ये बात तो पहले भी पता थी। एक्चुअली क्या होता है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि बहुत चीजें जब शुरू में रिसर्च फेज में होती हैं तब उनकी कॉस्ट ज्यादा होती हैं, धीरे धीरे उसकी कॉस्ट ठीक होती है तो वो यूज होनी शुरू होती है। इट इज लाइक सेइंग कि भाई आप कह तो हम अब भी रहे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी क्यों नहीं सारे आ गए? टाइम लगेगा ना जब वो धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, यूज होने शुरू होंगे। अभी भी उनपे रिसर्च कॉस्ट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबको पता है कि भाई हाँ कि उसकी पेट्रोल कंजम्पशन कम है, सब कुछ है, स्टिल मतलब विद टाइम ही बढ़ेगी उसकी यूजेज जब उसके प्राइसेस कम होंगे, सब कुछ होगा। और उससे भी बड़ी बात क्या हुई है कि जब जियो नहीं था, ठीक है, तो जो बाकी थे, एयरटेल था, फास्टवे था, जो भी थे, वो किसी के पास नहीं था तो किसी को किसी से खतरा ही नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। तो वो तो जियो ने आके गड़बड़ कर दी कि सारा कुछ फाइबर डाल दिया, तो फिर उनको झटका लगा एयरटेल वगैरह को। तो फिर अब चाहे कॉस्ट ज्यादा थी चाहे कम थी, उन्होंने स्टिल सबने डाल दिया। तो अभी भी जो मतलब वो हमसे चार्ज करते हैं, जो मंथली इंटरनेट चार्ज है या जो मंथली टेलीफोन का चार्ज है, उससे उनकी कॉस्ट्स पूरी थोड़ी हो रही है, दे आर ऑल इन ह्यूज लॉसेस। बट इट इज जस्ट कि वो कंपटीशन इतना है, जियो ने इतना ज्यादा वो कर रखा है, मतलब वो ज्यादा पैसों की वो है जियो के पास फैसिलिटी, जियो कंप्लीट मार्केट कैप्चर कर लेता है, तो इसलिए बाकियों को मतलब वो करना पड़ रहा है। इंडिया में जो इंटरनेट रेट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते हैं। मतलब आप सोचो ना, मतलब जो नए प्लान्स आए हैं वो 350 रुपीज, पता नहीं 400 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट है। यस, तो याद करो थोड़ा टाइम पहले ऐसा था मोबाइल पे एयरटेल यूज टू चार्ज 250 रुपीज पर 1 GB, और अब देखो क्या टाइम है, लेस के पैकेट पे भी लिखा होता है कि 2 GB डाटा फ्री। तो बच्चों इन फाइबर इनका जो मेन फायदा होता है, मतलब क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चल जाती हैं, जशन आइडिया एयरटेल थोड़ी कंबाइन हुए हैं, सर। यस
सर जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस में मतलब वायर ऐसे स्ट्रेट की स्ट्रेट तो नहीं रही होगी, मतलब मुड़ी भी होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से ही होता है कि एक बार जहां पे वो हो जाए मतलब TIR, तो आगे भी TIR ही होता है, तो इस तरीके से हम करते हैं सेटिंग। चाहे मतलब बीच में बेंड भी आ जाए वायर का। बट यस, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसको आप बहुत ज्यादा बेंड कर नहीं सकते, मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसका यू टर्न दे दो या कुछ कर दो, ये बड़ी डेलिकेट सी वायर होती है। मतलब आपने मतलब जैसे अगर किसी ने रिसेंटली घर पे लगवाया इंटरनेट फाइबर वाला तो आपको आइडिया होगा। ये बच्चों मैं ऑप्टिकल फाइबर का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सारे देख सकते हो। जो टाटा स्काई का बॉक्स होता है आपका, टाटा स्काई या डिश का, उसके पीछे एक ना पोर्ट होता है जहां लिखा होता है ऑप्टिकल आउट। वो पेंटागन टाइप शेप होती है उसकी, अगर उस पे ना एक फ्लैप सा होता है, अगर उस फ्लैप को आप पेन से थोड़ा सा दबाओ तो उससे रेड लाइट निकलती है। तो बेसिकली वो जो होता है वो किस लिए है कि आप मतलब टाटा स्काई बॉक्स को कोई स्पीकर्स या होम थिएटर सिस्टम से मतलब कनेक्ट कर लो विद ऑप्टिकल फाइबर। तो अब अगेन उससे फायदा क्या होता है कि जब आप मतलब ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि कोई लॉस नहीं होता, तो बेसिकली साउंड की हर फ्रीक्वेंसी कैप्चर हो जाती है। तो मतलब जो हाई एंड होम थिएटर सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो मतलब लाखों के आते हैं, उनमें ये होता है कि दे एक्सपेक्ट कि आप उनको जो सोर्स का कनेक्शन दो वो ही ऑप्टिकल दो, ताकि उनके पास प्रॉपर सिग्नल पहुंचे। कि भी वो कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर सिग्नल पहुंचेगा तभी तो हम प्रॉपर साउंड रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बच्चों इस ऑप्टिकल केबल में अपना वो भी देसी काम नहीं चलता कि ज्वाइंट दे दो कहीं पे भी, कि काटा और टेप से जोड़ दिया। तो इसके लिए बच्चों अगर आपने देखा होगा कभी इंटरनेट खराब हो तो वो स्पेशल मशीन लेके आते हैं, उस मशीन के अंदर वायर के दोनों एंड्स को डालना पड़ता है और उन्हें कुछ दिखता है उसके अंदर, उसके बेसिस पे इसका कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो चलो बच्चों फिगर आपके सामने है, इससे ट्राई करो। मतलब आई पे कंडीशन निकालो, फाइंड आई मतलब फाइंड रेंज ऑफ आई सो दैट मतलब TIR अकर्स। ठीक है साहब, गलत कह रहे हो, HDMI ऑडियो तो नहीं बेटर कहते ऑप्टिकल से। ठीक यूज HDMI होता है, बट उसका रीजन ये होता है कि HDMI में एक ही वायर से ऑडियो और वीडियो सिग्नल दोनों चला जाते हैं, तो इट इज मोर कन्वीनियंट। बट जो ऑप्टिकल को तो मैच नहीं कर सकती HDMI। हाँ, इसमें हम ये मान रहे हैं सिग्नल एयर से आ रहा है। तो बच्चों ये एक्चुअली दो चीजें होती हैं, मतलब जो आप पूछ रहे हो ना ये HDMI और ये सारा कुछ, एक तो ये होता है कि वो वायर कितना डाटा ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप 8K डाटा है तो वो बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर होना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि वो कितने लॉसेस होते हैं उसमें, ठीक है, तो ये दो अलग चीजें हैं। Your answer should be in terms of NR and ND only. जो सिंप्लीफाई करके दो आंसर्स, मतलब अभी सही नहीं आ रहे जो आप लिख रहे हो। शोभित आसपास है बट थोड़ी सी गलती है। वैभव ठीक है, बाहर एयर है, यस। खैर इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, मैं एक बार आपको जो दिखाई देता हूँ। बस क्या करना है, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लो, साइन आई इज इक्वल टू एन डी साइन आर। फिर अब टी आई आर की कंडीशन क्या हुई कि 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन सी। अच्छा बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, TIR में इक्वालिटी नहीं आती, इनइक्वालिटी होती है ना। मतलब TIR की जो ऊपर कंडीशन है उसमें क्या है, I इज ग्रेटर देन C, I इक्वल टू C पे TIR नहीं होगा। So 90 माइनस R इज ग्रेटर देन C। Let's take sine of both sides. Sine of 90 minus R is greater than sine C. इससे आ गया cos R greater than NR by ND. Cos R को substitute कर दो in terms of sine R. तो यहाँ से अपने पास sin I की condition बन गई। सर यस सर, वो एक एक बात पूछना था सर, जैसे जब मैंने हेडफोन लिए थे तो सर इसमें ना मुझे एक वायर फ्री मिली थी, मतलब एक प्रकार से वो फ्री देते हैं ना, तो सर वो वायर इतनी बेकार थी, मतलब वो 7 दिन बाद खराब हो गई। तो सर अगर हम मैंने जो दूसरी वायर ली थी सर, उसकी जो कॉस्ट है वो मतलब ऐसी है कि वो कई हेडफोन से भी ज्यादा महंगी है सर। वो ऑप्टिकल फाइबर की है जो मेरे पास अभी है, मतलब वायर क्या, मतलब कौन से पोर्ट्स हैं, वो कहां से कहां कनेक्ट कर रही है? तो बेसिकली जहां पे हम हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं ना ईयरफोन, तो उसमें बेसिकली दो एंड्स हैं, एक एंड इससे कनेक्टेड है मेरे हेडफोन से, और एक एंड लैपटॉप में जो होल होता है वहां से, मतलब दोनों 3.5 एमएम वाले जो होते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। हां तो इसमें भी क्या होता है कि वायर की क्वालिटीज आती हैं बहुत सारी, मतलब इसको गेज में मेजर करते हैं, तो मतलब बहुत अलग अलग कॉस्ट की वायर्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब वायर की कॉस्ट भी कई केसेस में स्पीकर से ज्यादा होती है। यस सर, प्रोबेबली वो जो वायर होगी वो बहुत मतलब हाई क्वालिटी वायर होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी। क्वालिटी का मतलब ऑप्टिकल इन देखते कि मतलब उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स हैं या नहीं है, जैसे आपने बोला ना, मैंने इसीलिए पूछा। ऑप्टिकल में वैसा नहीं होता, मतलब जो 3.5 जो आप कह रहे हो लैपटॉप वाला होल है, लैपटॉप में ऑप्टिकल वाला नहीं होता। 3.5 mm होता है वो दूसरा ही होता है, सिंपल। इट इज जस्ट कि वो है तो मतलब ऑप्टिकल नहीं है, दूसरी है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ओके सर, जैसे स्पीकर वायर्स में क्या होता है बच्चों, ये ना
मतलब एक्चुअली वायर थिकनेस पे डिपेंड करता है और वो बहुत लॉजिकल है, जितनी थिकनेस ज्यादा होएगी उतनी रेजिस्टेंस कम होएगी, है ना, तो उतना ज्यादा सिग्नल ट्रैवल कर पाएगा, उतनी ज्यादा साउंड की क्वालिटी आएगी। तो जितनी आप थिकनेस बढ़ाते जाओगे वो उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सर ये जो ऑडियो और ये वीडियो वाले सिग्नल होते हैं, ये जो मतलब ट्रांसफर होते हैं, ये तो इलेक्ट्रिकल उससे ही होते हैं ना, ये मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं। हाँ, ईएम वेव्स। मतलब ये तो नहीं ऑप्टिकल से कर सकते? कर सकते हैं, बट हम दूसरे से काम करा लेते हैं। ऑप्टिकल से तो आप सब कुछ ही कर सकते हो। आप सिंपल सोचो ना, अगर आपका इंटरनेट ऑप्टिकल से चल रहा है तो इंटरनेट के थ्रू तो आप हर तरीके का डाटा ट्रांसफर कर ही सकते हो, ऑडियो वीडियो साउंड एवरीथिंग। यस सर, ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने मतलब वैसे लिख दिया कि अगर ये पूछ ले कि मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, वो तो फिर यही लिखना पड़ता है रूट ऑफ एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, ऑल्दो इक्वालिटी नहीं है। इस पे नहीं होगा टी आई आर, इससे जस्ट काम पे ही होगा। तो नेक्स्ट होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो लेट अस से आपके पास कोई वॉटर बॉडी है, ठीक है, उसके बेस पे आपने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। उस वॉटर बॉडी की डेप्थ एच है, वॉटर बॉडी या कोई भी लिक्विड की बॉडी। तो इससे जो लाइट रेज निकल रही है, ये ग्रीन कलर की लाइट रेज, हमने कुछ अलग अलग लाइट रेज बनाई है, जैसे एक तो सीधा वर्टिकल बना दी, वो तो ऐसे ही चली गई अनडिविएटेड, फिर उससे अगली बनाई जो रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल गई, फिर तीसरी जो लाइट रे है वो आप देखो कि वो पैरेलल हो गई सरफेस के। तो जितना हम ओ से दूर जा रहे हैं, क्या उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है? देखो, तो क्या हो जाएगा कि जब आपका एंगल सी से बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो लाइट रेज हैं उनकी टी आई आर हो जाएगी। तो मतलब अब ये लाइट रेज आपको मतलब सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगी, वो रिफ्लेक्ट होके नीचे को ही आ जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, लाइट रेज सिर्फ उतने रीजन से ही बाहर निकलेंगी जहां तक एंगल सी बन रहा है, isn't it? तो बच्चों ध्यान से सोच के बताओ कि जो ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है उसको क्या दिख रहा होगा कि लाइट किस तरीके से आ रही है? किस शेप में से बाहर आ रही है लाइट? सर्कल नहीं कहेंगे, डिस्क, सिर्फ एक लाइन में थोड़ी आ रही है, उसके अंदर वाले सारे रीजन से आ रही है ना लाइट, राइट? वो नाम गलत है टॉपिक का, उसको बोल देते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, एक्चुअली तो इट शुड बी आइडियली डिस्क ऑफ इल्यूमिनेंस। तो जो ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है उसको ऐसा दिखेगा कि लाइट एक डिस्क में से बाहर आ रही है, ठीक है, उसको पॉइंट सोर्स तो नजर नहीं आएगा,
उसको तो डिस्क नजर आएगी। कर सकते हो घर पे, आपको पॉइंट सोर्स नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो कोई मुश्किल नहीं है। टॉर्च से कर सकते हो जाएगा। अब अच्छा, इस डिस्क का रेडियस निकालो, ये फिगर ड्रॉ करो और डिस्क का रेडियस निकालो। नमन ठीक है बच्चों, आंसर इन टर्म्स ऑफ एच एन आर एंड एन डी। तो बिल्कुल सिंपल ही है, डिस्क का रेडियस क्या है बच्चों, है ना, एच टैन सी। तो ये आ गया। राइट तो बच्चों ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये ऊपर वाले कंसेप्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ऊपर वाले कंसेप्ट में, अभी इस वाले कंसेप्ट में हमने ये कहा कि नीचे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट किस तरह से निकल रही है। अब इसका उल्टा सोचो कि मान लो जहां पे पॉइंट सोर्स था वहां पे एक फिश है, तो क्या बच्चों जिस तरीके से पॉइंट सोर्स से लाइट रेज निकल रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक फिश के पास लाइट रेज पहुंचेंगी भी। सोचो ध्यान से,
है ना, बात तो सेम ही है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। बिल्कुल वही ऊपर वाला ही फिगर है, ठीक है। तो बस हमें यह समझना है कि एक फिश के पास जो लाइट रेज आ रही होंगी ऊपर से बाहर से, वो लाइट रेज ऐसे एक कोन की शेप में आ रही होंगी, है ना। इस कोन के बाहर से फिश के पास कोई भी लाइट रेज नहीं आ सकती। हाँ, इस केस में तो रेज रेडर टू डेंसर ही है, यस। यहां कोई टीआईआर नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही सेम रिजल्ट ही बनेगा, कुछ फर्क ही नहीं है। समझ आया बच्चों ये? ठीक है, वंस अगेन जो पहले वाला केस था बस उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिराज। मिराज क्या होता है बच्चों? जो डेजर्ट्स में हम कहते हैं, या कई बार रोड के ऊपर भी हम कहते हैं हॉट डे पे, कि शाइनी सी सी सरफेस दिख रही होती है रोड के ऊपर दूर से, तो जो मिराज कंसेप्ट है वो भी ये टीआईआर पे ही बेस्ड है। तो होता क्या है बच्चों कि ये बच्चों बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम हो जाता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डेंसिटी से सोच सकते हो ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो जो रोड के बिल्कुल पास वाली एयर है, ठीक है, वो ज्यादा हॉट हो गई, और जो थोड़ी ऊपर वाली एयर है वो कंपैरेटिवली हॉट हो गई। तो जो रोड के पास वाली एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, जो थोड़ी सी ऊपर वाली एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब दिस ट्री इज जस्ट फॉर रेफरेंस, कि भाई मान लो कोई लाइट रेज है, तो वो लाइट रेज जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी तो ऐसा पॉसिबल है कि उनका टीआईआर हो जाए, है ना। डेंसर से रेयर जा रही है,
हाँ बच्चों बोलो। जो लाइट रे पेड़ के ऊपर से आ रही है, ये पॉसिबल है ना कि उसका TIR हो जाए और फिर वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचे? तो ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा, भाई असली में तो TIR हो रहा था, बट ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि एज इफ, मतलब क्योंकि उसके पास, उसको तो ये पता चल रहा है कि रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि भाई हाँ वहां पे कुछ शाइनी सरफेस पड़ी थी जिस कारण से मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है, ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा। क्या समझ आ रहा है बच्चों? तो ट्री तो मैंने वैसे बना दिया, रेस कहीं ना कहीं से तो आ रही होंगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट तो होएंगी। तो जैसे बच्चों देखो एक एग्जांपल मिराज का, तो ये देखो पिक से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहां पानी ही है, राइट? अब ये मुझे नहीं पता, मैंने नेट से ही ढूंढी थी, कहीं ये सच में ही पानी हो अगर 1%, तो नहीं। अब ये कैसे पता आपको कि पानी है? मतलब हम बता नहीं सकते ना। आप देख रहे हो वो दूर पेड़ से नजर आ रहे हैं, वो पेड़ तो असली है, उन पेड़ की रिफ्लेक्शन भी दिख रही है हमें, है ना? सर यस सर ये जो मिराज बना सर, ये ऐसे मतलब इसकी क्लियर बाउंड्री सी है एक, ये ऐसा ही होता है? वो क्लियर बाउंड्री इसलिए है कि कुछ पर्टिकुलर रेज ही है ना जिनका TIR हो रहा होगा और वो आपकी आईज तक पहुंच रही होंगी। मतलब सारी ये रेज तो फिर पर्टिकुलर एक ऐसे एग्जैक्ट बाउंड्री क्यों है ये एक? मतलब आपको जो रेज आप तक पहुंच रही हैं, कुछ फिक्स रेज है ना जिनका TIR भी हो रहा है और वो आपकी आईज तक भी पहुंचे, यस सर, बाकी रेज का जो आपकी आईज तक पहुंच रही है उनका TIR नहीं हो रहा होगा, तो आपको तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बाउंड्री सी दिखेगी ना। ओके सर, हाँ जी। तो ये अब सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब मैं ये, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ इतना ही बड़ा दिखे कहीं पे रोड पे, कई बार पैचेस में भी नजर आता है, राइट? सर यस, रोड मतलब जो एयर है वो सेपरेट मीडियम्स की तरह बिहेव कर रही है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ एक्सक्यूज मी यस सर, सर जो TIR पे इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो कहीं से आ ही रही होंगी, मतलब आसपास में भी सच्ची में ये चीज होगी जहां से वो आ रही हैं रेज, TIR पे इंसिडेंट रेज जो है। नहीं, चलो मान लो पेड़ हटा दिया, मान लो सन से आ रही है रेज, तो फिर हमें TIR के बाद 100% जो रिफ्लेक्शन हुई है उसमें जो इमेज बनेगी आई के पीछे वो किस चीज की बनेगी, वो पानी कैसे बन गया? वो पानी नहीं है, वही समझो वो एक शाइनी सरफेस है, ओके क्योंकि आपको ये अपीयर हो रहा है कि उस जगह से रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, यस सर इसलिए आपको ओके ऐसा हम लग रहा है कि रिफ्लेक्टिंग रेज को मैरिज नहीं कह रहे, हम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मैरिज कह रहे हैं। यस ओके
हमारे को शाइनी सरफेस दिख रही है राइट, उसका रीजन क्या है कि वहां से रेज हमें ऐसा लग रहा है कि एज इफ वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही है। सर एक बार ये बताना कि पास जाने पे खत्म क्यों हो रही है, तब टीआईआर वाली रेज आपकी आईज तक नहीं पहुंचेंगी। हर बार ये केस क्यों बनता है? नहीं हर बार क्यों, डिपेंड करेगा आप कहां से देख रहे हो क्या कर रहे हो, जैसे रोड पे भी तो ऐसा होता है। हर बार ये केस बन रहा है ना कि पास जाने पे खत्म हो रही है। एग्जैक्टली तो आप देखो फिगर बना के, हर बार जब आप बिल्कुल पास चले जाओगे तो जो रेज आपकी आईज तक पहुंचेंगी वो रेज टीआईआर वाली होंगी ही नहीं। जब आप बिल्कुल पास हो तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा ना। ठीक है सर, ओके। एंड यस मतलब ये कोई जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे रेज स्ट्रेट लाइन ही हो, कई बार एन के अंदर ग्रेजुअल चेंज होता है तो उस कारण से जो रेज होती हैं वो ऐसे कर्व भी बन सकती हैं। नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मिराज तब क्यों दिखता है जब पानी की प्यास लग रही हो। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ बस कि मिराज हॉट डेज पे दिखता है और हॉट डेज पे ही प्यास लगती है। ओके अब जो ऐसा ही एक कंसेप्ट होता है लूमिंग, ठीक है। लूमिंग में क्या होता है मतलब मिराज जैसा ही कंसेप्ट है, ये दिखता है बहुत ही कोल्ड रीजन्स में। ठीक है तो मतलब अगर बहुत कोल्ड रीजन्स में कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स बन जाएं जिसके कारण से एन डिक्रीज हो रहा हो ऊपर की तरफ, ठीक है तो आप देखो जिस तरीके से मैंने शिप दिखाई हुई है, ऑब्जर्वर दिखाया हुआ है, तो इट इज पॉसिबल कि मतलब ये रे ऐसे आए और टी आई आर होके ऑब्जर्वर तक पहुंच जाए तो ऑब्जर्वर को जो शिप है वो हवा में नजर आएगी। नहीं दिस हैपेंस इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, ये तो ऑब्वियसली नहीं देखा होगा, ये तो मतलब साइबेरिया जैसी जगहों पे जहां -40 -50 डिग्री होता है वहां पे कभी कभी देखना है। नेट पे मिल जाएगा ढूंढ लेना, अभी नहीं है मेरे पास पे किसकी बाय चांस। यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पानी फ्रीज हो जाएगा तो फिर शिप कैसे है वहां पे तो शिप इन वाटर दिखेगी हमें। हाँ सर अभी मैंने सर्च किया था गूगल पे सर, वहां पे तो सर उन्होंने ऐसी दिखाई हुई थी। कैसे मतलब इमेज में सीधी थी, मतलब थोड़ी हवा में लग रही थी। मैं चेक कर लूंगा, वैसे सीधी तो नहीं बननी चाहिए, मतलब अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इमेज इन्वर्ट तो होगी। पता नहीं सर लूमिंग सर्च किया था मैंने। मैं दिखा दूंगा ढूंढ के आपको फोटो। ओके नेक्स्ट लिखो बच्चों डायमंड।
तो सर कहीं उल्टी दिखाई हुई है कहीं सीधी दिखाई हुई है। मैं कंफर्म कर लूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो उल्टी ही होगी क्योंकि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो मिरर में इमेज तो इन्वर्ट होती है। मेरे पास एक इमेज आई है अभी, दिखा देता हूँ आपको। हाँ भाई दिख रही है? ये देखो ऊपर गोपाल, शिप के जस्ट ऊपर देखो। तो वो तो डिपेंड करता है, इस केस में बाई चांस ऐसी इमेज बन रही है कि वो चिपकी हुई है। हाँ मतलब शुरू में तो लोगों को यही लगा होगा कि भाई कुछ हो गया, दिमाग खराब हो गया कि ये क्या दिख रहा है। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। एक आधी एप्लीकेशन है वो अगली क्लास में करते हैं। आपने बच्चों इसके होमवर्क में मतलब डी पार्ट तक करना है। ठीक है चलो। हाँ बस एक ही रहती है डायमंड वाली, वैसे तो बट कर लेंगे कोई बात। चलो ओके बच्चों, बाय।